बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज है और प्रचार में भी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के लिए जो इस्तेमाल होने वाले जो सामग्रियां हैं वो भी उनको बनाने का काम भी कलाकार काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। उत्तर कोलकाता स्थित डोमपरा जो काफ़ी प्रसिद्ध है सामग्रियां प्रचार की सामग्रियां बनाने के लिए, वहां अभी हम मौजूद हैं। कैमरा पर्सन अर्पिता चंद्रा से कहेंगे दिखाने के लिए कि कैसे प्रचार में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियाँ हैं उसका काम जोर शोर से यहाँ पर चल रहा है। बात करते हैं कुछ कलाकारों से यहाँ पर। दादा कैसा चल रहा है अभी इलेक्शन का काम? चल रहा है अभी, अच्छा ही चल रहा है, ऐसा काम होता है। किस तरह से ऑर्डर्स आ रहे हैं? ऑर्डर तो आगे से बहुत कम गया, फिर भी चल रहा काम। तो पहले से ऑर्डर थोड़ा कम है लेकिन काम यहाँ पे काफी तेजी से इन लोगों का चल रहा है। बात करते हैं कलाकार से कि आखिर कैसा चल रहा है इनका बाजार। देखिए पहले लोकसभा इलेक्शन में बहुत काम था, अभी काम थोड़ा कमती हो गया, अभी सिंबल का काम नहीं होता है ज़्यादा, और पहले जैसा होता था अभी नहीं हो रहा। क्यों ऐसा रहता है? अरे निर्वाचन कमीशन के चक्कर में हम लोग का काम कमती हो गया, जैसे कि हर पार्टी 35 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है, तो उन लोग को बहुत काम रहता है, जैसे कि झंडा का काठी है तो फिर सिंबल है, फ्लैग है, झंडा है, सभी करना पड़ता है ना, उसमें बहुत खर्चा पड़ता है, इसीलिए हम लोग का काम कमती होगी। राज्य में 27 मार्च से चुनाव शुरू हो जाएंगे, 8 चरणों में चुनाव होगा, और इससे पहले जहां जिस विधानसभा क्षेत्र से इन कलाकारों को जो ऑर्डर मिले हैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने का इनका टारगेट है। कैमरा पर्सन अर्पिता चंद्रा के साथ मैं सविता, डोमपाड़ा कोलकाता से।